नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। तो आज की वीडियो में हम ऑप्टिया एड्स एड नेटवर्क के बारे में कंप्लीटली जानकारी देखने वाले हैं। आप नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें इस एड नेटवर्क के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले, आप नए होंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इससे पहले हमने एड नेटवर्क रिव्यू की एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे हमने लगभग 30 से ज़्यादा एड नेटवर्क को रिव्यू किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे आपको लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन दिए हुए जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे देखिए पब्लिशर रेगुलेशंस पे आते हैं। मैं ऑलरेडी न्यू टैब में ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पब्लिशर रेगुलेशन में सबसे पहली चीज़ लिखी है, देखिए टॉप लेवल डोमेन हैव प्रायोरिटी, हाउवेयर इन सम केसेस विल एक्सेप्ट सब डोमेन वेबसाइट एज वेल। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, कुछ कुछ केसेस में सब डोमेन्स भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो गूगल एडसेंस के लिए टर्म एंड कंडीशन थी वही यहाँ पे दी गई है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस मीन्स इस एड नेटवर्क का, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्टली इस पेज पर आ जाना। यदि आपके पास टॉप लेवल डोमेन नहीं है तो अभी बेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हॉस्टिंगर पे ब्लैक फ्राइडे का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके हॉस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हो। तो आपको पब्लिशर रेगुलेशन पता चल गई होगी, अच्छी खासी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, और पोस्ट वगैरह भी उस पर होने चाहिए। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि इसे रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। यहाँ से आप साइन अप फॉर अकाउंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर चुका हूँ नया पेज में, यहाँ पे ऑप्टी एड्स पे। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कोई भी एक आईडी डाल देना, जैसे कि व्हाट्सएप डाल देना, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर से एक बार पासवर्ड, एग्री कर लेना और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्रिएट अकाउंट होने के बाद आपको डायरेक्टली जो है डैशबोर्ड ये दे देगा। डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी और ये सब कुछ चीज़ें ले लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट वाले टैब में आना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन सेक्शन में ये वेबसाइट का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू वेबसाइट पे जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप न्यू वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इस तरह से आपको दो चार चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली नहीं होगा, देखिए ये चार स्टेप करना पड़ेगा, टेक्निकल डिटेल, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, ऑनरशिप वेरिफिकेशन एंड रिव्यू। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से टेक्निकल डिटेल में यहाँ पे कनेक्शन प्रोटोकॉल चूज़ कर लेना है, उसके बाद डोमेन डालना है, ठीक है, जो भी आपका डोमेन है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए example.com डाल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए ये क्योंकि example.com है ये ले नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप अपना डोमेन डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो आपका रहे सही है वो। उसके बाद वेबसाइट इंफॉर्मेशन में आपकी कैटेगरी की, वेबसाइट की कौन सी कैटेगरी है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद ऑनरशिप वेरिफिकेशन, एक कोड मिलेगा उसको हेड के नीचे पेस्ट करना है और फिर सबमिट कर देंगे तो आपको आपकी वेबसाइट जो है रिव्यू में चले जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर आपकी रिव्यू हो जाएगी 24 टू 48 आवर्स में। उसके बाद आपको मेल आ जाएगा इनका कि वेबसाइट जो है एक्टिवेट हुई है या फिर नहीं हुई है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। तो देखिए ऑप्टी एड्स में हम चलते हैं। यहाँ पे ऐड फॉर्मेट्स मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। तो ऐड फॉर्मेट इनके पास कौन कौन से, नेटिव ऐड फॉर्मेट है, बैनर एड्स है और पेज नोटिफिकेशन है। ये तीन तरीके के एड्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका जो मिनिमम पे आउट है वो देखिए $10 है। उसके बाद ई CPM बिडिंग है, ठीक है, CPM पे पैसा पे करेंगे और आप रिक्वेस्ट करोगे तभी आपको इनका पैसा मिलेगा। जैसे $10 आपके हो जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे मनी क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। पेपल, पायनियर, जो भी है, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। तो देखिए ऐड जोन पे आओगे, यदि आपकी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो ऐड जोन पे आपको आना है, ठीक है। ऐड जोन में, ठीक है, जोन मैनेजमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके जो ऐड है फॉर्मेट वो यहाँ पे दिखाई देंगे, आप जो भी क्रिएट करोगे। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट न्यू एड जोन पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट आपको यहाँ पे चूज़ करनी पड़ेगी जब आपकी अप्रूव हो जाएगी तब। उसके बाद एड जोन नेम आपको देना है, नेटिव रखना है तो नेटिव, इन पेज नोटिफिकेशन विजेट, स्टैंडर्ड साइड बैनर और मैसेंजर एड्स विजेट। ऐसे चार यहाँ पे एड्स है। अभी मेरे पास वेबसाइट अप्रूव नहीं है, यदि अप्रूव होती है तो मैं आपको लाइव दिखा लेता, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे एड नेटवर्क यूज़ किया होगा तो सेम प्रोसीजर होती है सभी एड नेटवर्क में। स्टैटिस्टिक्स में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स आपकी दिखाई देंगी, कितने रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ, कितना इंप्रेशन आया, कितना ऐड रिक्वेस्ट आया, सब कुछ। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड में चलते हैं, जनरल डैशबोर्ड में, और ये मोनेटाइजेशन का एक अलग से डैशबोर्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा सब कुछ, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, आपका अकाउंट मैनेजर भी आपको दिखाई देता है। तो ये ऐड नेटवर्क है, आप इसे ट्राई कीजिए, और आपको अप्रूवल वगैरह मिलता है, आपके पास इसका डेटा है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कितना ये सीपीएम वगैरह देता है। अभी फ़िलहाल तो मैं इसे यूज़ मीन्स नहीं किया हूँ, यदि यूज़ करूँगा मैं आगे चल के तो आपके लिए एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जिसमें आपको सारी जानकारी दूँगा कि क्या इसका सीपीएम रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।